इसलिए घूमना वूमना छोड़ो और अपना घर बसा लो। हटे कड़कू बावली लौंडिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ओट में स्थित एक अद्भुत चीज और बताएंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो क्या आप तैयार हो? हाउ इज द जोश? हाँ सर। हाउ इज द जोश? हाँ सर। तो ये है वो ओट में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी भयानक 2800 मीटर लंबी सुरंग जो दोनों तरफ से यातायात के लिए खुली है। ये देश की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह भारत के सबसे रोमांचकारी सड़क अनुभवों में से एक है। और अब हम खड़े हैं उसी सुरंग के अंदर। ये देखिए, यहां से हमने एंट्री की है और आगे सीधा 2800 मीटर बाद हम एग्जिट होंगे। तो चले सुरंग के रोमांचकारी पर खतरनाक सफर की ओर। हम आपको पूरी सुरंग का अनकट वीडियो देंगे और आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इसको पार करने में हमें कितना समय लगेगा। वाह दोस्तों, सुरंग के अंदर चलने में बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, पर मजा उससे ज्यादा आ रहा है क्योंकि सुरंग को हमने पहली बार अंदर से इतने आराम से देखा है। और सच मानिए, ये वाकई में ही रोमांचकारी सुरंग का अनुभव है। कहा गया है कि लारजी बांध के निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा पानी में डूब गया था और बिजली बोर्ड ने यातायात को फिर से बनाए रखने के लिए इस सुरंग को खोदा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुरंग खतरनाक क्यों है, वो मैं आपको बताता हूं। सुरंग को पार करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। सुरंग के अंदर लाइट थोड़ी कम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिस कारण यहाँ अंधेरा बना रहता है। सुरंग में दो आंतरिक मोड़ हैं, इसलिए आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब अचानक दूसरी साइड से एक वाहन आ जाता है। सुरंग में यातायात पर नजर रखने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ना आग बुझाने के लिए कोई उपकरण है, और ना ही स्पीड ब्रेकर या रोड डिवाइडर, और ना ही किसी तरह का कोई संचार माध्यम। इन सब कमियों के चलते हुए अतीत में यहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अधिकांश वाहन सुरंग में जैसे ही एंटर करते हैं तो अपनी स्पीड से चला देते हैं कि हट जा, मैं इससे आगे निकल कर रहूंगा। ऐसे ही कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी सुरंग के अंदर एक बस और ट्रक के बीच, और इसी तरह एक घटना हुई थी एक बस और जीप के बीच। इसलिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप इस गुफा के अंदर चले तो बहुत आराम से सावधानी को ध्यान में रखते हुए सतर्क होकर चलें और ओवरटेक की अनुचित कोशिश ना करें। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, लोक निर्माण विभाग यानी कि जिसको हम PWD कहते हैं, उसके सूत्रों के अनुसार सुरंग के निर्माण के समय बिजली बोर्ड के साथ एक समझौता किया गया था कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा सुरंग के सभी रखरखाव या जितना भी इसमें काम होता है वो बिजली बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ना तो बिजली बोर्ड के पास यातायात को नियंत्रित करने
और सड़क को बनाए रखने का कोई एक्सपीरियंस या कोई विशेषज्ञता नहीं है। बिजली बोर्ड सुरंग के रखरखाव में प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख रुपए खर्च करता है और पीडब्ल्यूडीबी इसे ओवरटेक करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ये मान सकते हैं कि ये सुरंग भगवान भरोसे छोड़ी गई है। दोस्तों ये सही बात है कि इस सुरंग के अंदर कुछ कमी है, हालांकि कमी कहां नहीं रहती, कहीं ना कहीं कमी हर जगह रह जाती है। आप बिल्कुल आराम से और सतर्क होकर चलिए और यकीन मानिए कोई डर कोई खतरा बिल्कुल भी कहीं नहीं है। आपको इस गुफा में बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम इस सुरंग से एग्जिट होने वाले हैं। ये देखिए, जी हाँ, अब हम इस सुरंग को टाटा और बाय बाय कहते हैं, लेकिन हम इससे वादा करते हैं कि वापस आते समय इसके अंदर से एक बार और निकलेंगे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी हम कभी फ्यूचर में मनाली आएंगे तो इस सुरंग की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम तो अपनी पूरी सावधानी और पूरा सतर्क होकर चलेंगे। ये बात अलग है कि दूसरा कोई सामने से आकर ठोक जाए। अरे भाई अब क्या हो गया, वीडियो में काफी देर से बकवास नहीं कर रहा तू? ठीक है भाई, अगर तेरी ये इच्छा है तो फिर सुन। Oh, no! दोस्तों मंडी से मनाली तक की रोड अगर एवरेज निकाला जाए तो काफी अच्छी है। हालांकि कहीं कहीं थोड़ा काम चल रहा होता है या थोड़ी सड़क टूटी फूटी हुई है, लेकिन ज़्यादातर सड़क अच्छी है। मेन दिक्कत आती है सड़क की बरसात और बर्फबारी के मौसम में, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पानी बहकर आता है और वो अपने साथ पत्थरों को भी सड़क पर ले आता है, जिस कारण थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ हम रुके हैं जिससे कि हम यहाँ थोड़ा आराम भी कर सकें और आसपास के सुंदर व्यू को भी देख सकें। देखिए दोस्तों खूबसूरती देखते ही बनती है। हरे भरे ऊंचे पहाड़
और उसके बीच बहती एक झील। और हाँ दोस्तों, इन भाई साहब के पास हम थोड़ा ठंडा पी लेते हैं। जेसीबी की खुदाई, जेसीबी की खुदाई। तो दोस्तों, असलियत में हम यहाँ रुके थे जेसीबी की खुदाई देखने ही। जेसीबी की खुदाई हम देखें भी क्यों ना, आखिर ट्रेंडिंग में जो चल रही है। जब हम यहाँ रुक ही गए हैं तो क्यों ना फोटो ले लें। ये सब राफ्टिंग के लिए एड लगे हुए हैं, अगर आप चाहे तो राजेश 707 से भी एड करा सकते हैं, और सॉरी राफ्टिंग करा सकते हैं। यहां से मनाली है 55 किलोमीटर दूर। अरे भाई कितना दूर हो गया मनाली, हाथ आ ही नहीं रहा। ऐसा लगता है मनाली आगे आगे भाग रहा है और हम उसके पीछे पीछे। इतनी देर हो गई चले हुए, अभी तक मनाली आया ही नहीं। चलते चलते अब रात हो चुकी है और अब हम पहुंचने वाले हैं कुल्लू। वेलकम टू कुल्लू। जी हाँ, हम कुल्लू पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कुल्लू का मार्केट कैसे लाइटों से जगमगा रहा है। कुल्लू में फैक्ट्री आउटलेट है, आप चाहे तो गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, कंबल इत्यादि खरीद सकते हैं उचित दामों पर। और कुल्लू के पास क्या क्या है घूमने के लिए वो मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लेना उनको। यहाँ से मनाली लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ रुके हुए हैं कलंक मूवी देखने के लिए, ये जो सामने पोस्टर लगा है। अरे नहीं भाई, हम यहाँ रुके हुए हैं ताकि हम डिसाइड करें कि आगे मनाली के लिए रात में चलना है या नहीं चलना है। खाना खाना है तो कहाँ खाना है। तो फाइनली हमने तय किया कि हम अभी रात में ही मनाली जाएंगे। और दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि पता नहीं क्या संयोग होता है, पहाड़ों पर हम अपनी मंजिल तक रात में ही पहुंचते हैं।
कोई बात नहीं, देखते हैं रात में सफर कैसा होता है। हालांकि काफी भूख भी लग रही है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि मनाली पहुंचकर या उससे थोड़े पीछे खाना खाएंगे। पेट में चूहे कूद रहे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने अपनी बाइक यहाँ रोकी है रेस्टोरेंट पर। हम यहाँ कुछ खाएंगे। देख लेते हैं यहाँ खाने में क्या क्या है। अरे वाह, थाली तो बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। अबे जल्दी खा ले बे, अभी मनाली भी तो चलना है। तो दोस्तों खाना खाकर हम काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें काफी देर से भूख लग रही थी। और वाकई में यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था, जिसे खाकर मजा आ गया। मनाली है यहाँ से 14 किलोमीटर। ठीक ठाक ही है, रात में बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, उल्टा मजा आ रहा है। ये बात और है कि हमें थोड़ी ठंड भी लग रही है, पर कोई बात नहीं, मनाली के सामने सर्दी जुकाम बुखार सब फेल। कि रात में पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। अब मनाली है 2 किलोमीटर दूर, तो हम अपनी मंजिल तक लगभग बस पहुंच ही गए। मनाली आ रहा हूं मैं, मनाली आ रहा हूं मैं। घुमाएंगे दोस्तों, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मनाली मॉल रोड भी घुमाएंगे और मनाली से आगे सोलांग वैली, गुलाबा और यहाँ तक कि शिमला भी घुमाएंगे आपको। ये सब कुछ मिलेगा देखने को।
जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मतलब मनाली। अब क्या कहूँ इसके बारे में, जितना सुकून हमें यहाँ पहुंचकर मिल रहा है इतनी लंबी यात्रा करने के बाद। चल बस रुलाएगा है क्या, देखिए वो वाव, ये है मनाली की मॉल रोड। वाव कितनी सुंदर लाइट में जगमगाती हुई मनाली मॉल रोड। कितना सुकून कितना आराम है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे हसी ये शाम है। सोलह अप्रैल को हम यहाँ मनाली में रात के 8 बजे पहुँच चुके थे। हमने अपनी यात्रा शुरू की थी 15 अप्रैल को दिल्ली में लगभग शाम के 3 बजे करीब। उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुँचे। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि चंडीगढ़ पहुँचते ही हम खाना खाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर चलने लायक कंडीशन है तो हम वहाँ से चलेंगे, वरना हम वहीं चंडीगढ़ रात में स्टे करेंगे। उसके बाद लगा कि हाँ हम यात्रा कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने अपना बाइक शुरू कर दी और हम करीब रात के 2-2.5 बजे पहुंच गए थे बिलासपुर। बिलासपुर पहुंच के हमने वहां नाइट स्टे किया 16 तारीख में। लगभग बिलासपुर से मनाली हम पहुंच गए 5 घंटे में। उसके बाद यहां ठीक ठाक था मौसम, लेकिन एक बात तो जो दिक्कत आ रही थी कि हमें नाइट में सफ़र करना पड़ा, जो कि पहली बार सफ़र था मनाली का नाइट में, तो थोड़ा डर सा भी था, पर रोड काफ़ी अच्छी मिली तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा खास परेशानी नहीं हुई। केवल हाँ, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर अप्रैल में भी यानी कि 17 अप्रैल आज को भी यहाँ काफ़ी ठंड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ये पहना हुआ है और अपनी जैकेट भी पहनी हुई है। अब फिलहाल बारिश हो रही है, अब हमें जाना था सोलांग वैली। अब देखते हैं अगर ये बारिश थोड़ी बहुत देर में रुकती है तो ठीक है, वरना तो फिर क्या है, यहीं रुकना पड़ेगा। सोलांग वैली का प्लान थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा। जैसे ही बारिश बंद होती है हम सोलांग वैली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब देखते हैं बारिश के रुकने का इंतज़ार। तो इसीलिए दिल्ली सिविक सेंटर से यहाँ मनाली तक लगभग हमारी बाइक में हो गए 608 किलोमीटर। यात्रा काफ़ी अच्छी थी। दिल्ली से चंडीगढ़ हमारा हो गया था 4 घंटे में और चंडीगढ़ से बिलासपुर तक हमें लगे लगभग 4-5 घंटे करीब। उसके बाद बिलासपुर से मनाली तक के लिए हमें टाइम लगा फिर वही 4-5 घंटे करीब, तो मतलब मान के चलिए लगभग 14-15 घंटे करीब हम यहाँ पहुँच गए। हाँ सामान भीग रहे, अरे ये तो देख बारिश कर जाएगा, तभी तो बोल रहा हूँ। नहीं बारिश में जाएगा कैसे, तो चला लेंगे, पन्नी लेना पड़ेगा पहले। बोल रहा हूँ वहाँ बारिश नहीं हो रही, वहाँ पे तो स्नो गिर रहा है। ये इस मौसम में सिर्फ गिर रही है, उधर तो अलग मौसम है ना, वहाँ पर मौसम अलग है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन सोलांग वैली में बर्फ़ देखनी है तो हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन बारिश हो रही है, देखते हैं निकल पाते हैं या नहीं। यहाँ से सोलांग वैली अब जैसा बारिश में मौसम है इसमें हमें निकलना पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं सोलांग वैली थोड़ा जितनी बर्फ़ पड़ी हुई है उसको देखने के लिए। मिलते हैं बाद में।